नमस्कार। इस समय मौजूद है तुगलकाबाद में, जहां पर बदरपुर क्षेत्र के विधायक श्री रामवीर सिंह भिधोड़ी जी के निवास स्थान पर, जो दिल्ली सरकार में इस समय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि बदरपुर क्षेत्र में मंडल में कुछ बदलाव जो किया गया है, इसको लेकर उनसे बात करते हैं कि वो क्या देखते हैं कि बदरपुर में जो मंडल के बदलाव से कितना फर्क पड़ेगा क्षेत्र की जनता के ऊपर। आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। और मेरा सवाल है कि आपने जो बदरपुर क्षेत्र में मंडल का चेंज किया है, इससे बदरपुर क्षेत्र में कितना बदलाव आएगा? धर्म के लिए ये सभी साथी समर्पित रहे हैं और यही प्रयास हमारी पार्टी का था कि जो भी साथी मंडल का अध्यक्ष बनाया जाए उस सबको साथ लेकर चल सके, संगठन को मजबूती दे सके, सभी वर्गों को ठीक से नुमाइंदगी मिल सके। बदरपुर से सुचैन सागर जी हैं, मंडल में महामंत्री थे, पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसीलिए पार्टी ने इनको मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोरडबल में मंगाल जी हैं, पहले भी वो अध्यक्ष थे, उनको रिपीट किया गया है, श्री बिशन सिंह मंगाल, उनको संगठन चलाने का उनके पास भी एक लंबा तजुर्बा है और साथ सभी को साथ लेकर चलने की उनकी चली रही है। इसी तरह से हरिनगर वार्ड से श्री नीरज झा जी को मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट में मंत्री थे और हमारे मिथिलांचल के सभी मतदाताओं की इच्छा थी कि जो मंडलों का गठन हो रहा है उसमें मिथिलांचल समाज को भी ठीक से नुमाइंदगी दी जाए। नीरज झा जी को मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे जयपुर से भानु प्रताप सिंह रावत हैं, वो पर्वतीय प्रकोष्ठ जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है और उनका संबंध जो है उत्तराखंड से है और उत्तराखंड के सभी निवासियों की इच्छा थी कि संगठन में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के निवासियों को अच्छे से प्रतिनिधित्व देगी, तो वो दिया गया है। मीठापुर वार्ड, जिसको हम लोग ओम विहार वार्ड भी कहते हैं, वहां से श्रीमती सुभद्रा गौतम को मंडल का अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो महिला हैं और चार बार वो मंडल में उपाध्यक्ष रही हैं, वह भी और उनके पति श्री राम गोपाल गौतम जी भी लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अब क्योंकि वो महिला भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, पार्टी ने उनको मंडल का अध्यक्ष बनाकर महिलाओं को जो नुमाइंदगी देनी चाहिए थी वह भी हो गई। और क्योंकि सुभद्रा जी लंबे समय से संगठन को मजबूती देने में लगी रही है, इसके लिए पार्टी ने उनको ये सम्मान दिया है। जयसुख सागर जी मंडल के महामंत्री रहे हैं और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। अभी मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें इन्होंने अपने साथियों के साथ मुझे चुनाव जितवाने के लिए, मुझे नहीं पार्टी को, इन्होंने भरपूर प्रयास किया। और क्योंकि ये कमजोर तबके से आते हैं,
और अनुसूचित जाति से है, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ये युवक हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं और इनका संबंध अनुसूचित जाति से है। ये जरूर जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी हमारे साथी हैं, मतदाता हैं या क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, उनको भी ये पार्टी के साथ जोड़ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सभी के ओर से, अपनी ओर से, सभी पांचों हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये संगठन को मजबूती देंगे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस संकट की घड़ी में देशवासियों के लिए, विशेष तौर पर किसान मजदूरों गरीबों के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी जो भी सफलताएं रही हैं या पार्टी की ओर से गरीबों के लिए जो जो योजनाएं शुरू की गई है उनको घर घर तक पहुंचाएंगे और पार्टी को निश्चित तौर पर इन सभी जो हमारे पांचों पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार मैं फिर सभी अपने मंडल अध्यक्षों को अपनी ओर से, पार्टी की लीडरशिप की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए, पार्टी को मजबूती देने के लिए मैं इन सभी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।